जय हिंद बच्चों, आज हम जानेंगे गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता के बारे में। गांधी जी और इरविन के बीच क्या समझौता हुआ था जिससे उन्होंने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि आप एक बात तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए कि आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस समय आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। अभी आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी आप गुरुकुल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो गुरुकुल के साथ ही आप स्वतंत्रता दिवस मनाइए। अपने स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले तस्वीरों को गुरुकुल के साथ साझा कीजिए, किसी भी तरह से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, कहीं से भी साझा कीजिए। आपकी मैं अच्छी तस्वीरों को अपने चैनल पर, जो भी मेरा सोशल मीडिया है, वहाँ मैं ज़रूर पब्लिश करूँगा। तो चलिए जानते हैं कि गांधी जी और इरविन के बीच समझौता क्यों हुआ था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, यदि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानना चाहते हैं, नहीं देखा है आपने वो वीडियो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यह देखा था कि गांधी जी को मनाने के लिए इरविन चले आए थे। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल में नहीं आ पाई थी। वो नहीं गई थी, क्यों भी जाती? क्योंकि जो पार्टी आपके विपक्ष में, यानी कि आपके खिलाफ में आंदोलन कर रही है पूरे देश को एक साथ लेकर, तो वो क्यों जाएगी आपके टेबल कॉन्फ्रेंस में? तो इसके लिए इरविन को बोला गया कि भाई तुम चलो और जाओ, गांधी जी से मिलो और फिर किसी तरह से मनाकर गांधी जी को ले आओ मेरे पास। अब इरविन ने सोचा कि भाई नौकरी खतरे में है, क्योंकि वो वायसराय थे भारत के उस समय। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई चलते हैं गांधी जी को मनाने। वो चले आए गांधी जी को मनाने और 15 दिनों तक मनाते रहे। 8 बार इन दोनों के बीच बैठक हुई। अब इस बैठक को कब किया गया था? बैठक तो हुई, लेकिन ये जो गांधी इरविन समझौता है, यह 5 मार्च 1931 को हो गया। अब जानते हैं कि गांधी और इरविन के बीच जो ये समझौता को मेडिएटर किया था तेज बहादुर सप्रू जी ने। मेडिएटर का मतलब होता है कि इन दोनों को मिलाने का काम इन्होंने ही किया था, कि आप दोनों एक साथ बैठकर एक हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं। तो देखते हैं कि दोनों ने क्या समझौता किया और क्या बीच के रास्ते को निकाला, वही गांधी इरविन समझौता कहलाता है। यानी इरविन ने कहा कि भाई आप अपना आंदोलन बंद कर दीजिए और आप सेकेंड राउंड टेबल के लिए लंदन चलिए मेरे साथ। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। इसके लिए दोनों ने शर्त रखा, गांधी जी ने कुछ शर्तों को रखा और उसे इरविन को मानना पड़ा था, उसे ही हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दोनों के बीच में क्या शर्त रखे गए थे। तो देखिए, जो सबसे पहला शर्त है जो रखा गया था वो यह था, ध्यान से देखेंगे, कि गांधी और इरविन के बीच जो पहला शर्त था वो यह था, ऑल पॉलिटिकल पर्संस हु डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट देम वेयर टू बी रिलीज इमीडिएटली। कहा गया कि जो भी ऐसे मेंबर जिन्होंने कोई भी हिंसात्मक कार्यों को नहीं किया था, उन्हें आप किसी तरह से भी रिलीज कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, यानी उन्हें जेल से निकाल दीजिए। अगला कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस आंदोलन को, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, इसको रोकने के लिए जो भी गलत तरीके अपना रही थी, यानी जो भी दंड अपना रही थी, उसको वो वापस ले लेगी। अगला जो तीसरा नंबर कहा गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू रिटर्न द लैंड, यानी कि जो भी लोगों ने, गांधी जी ने कहा था कि आप लोग टैक्स सरकार को मत दीजिए, तो लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि उनके जमीनों पर कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह स्वीकारा कि मैं जो हूँ सो इस सारे लैंड को जो भी है इसको मैं वापस कर दूंगा जिसकी जमीन है उसे। अगला चौथा नंबर क्या हुआ था, ध्यान से देखेंगे कि ये जो है, पैक्ट लीड डाउन द कंडीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट विल टेक बैक ऑफिसर्स। कहा गया था कि वैसे लोग जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जॉब को छोड़ दिया था और छोड़कर आंदोलन में चले आए थे, वो अगर चाहें तो फिर से अपने नौकरी को पुनः लौट सकते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें बहाली देगी। अगला जो कहा गया था कि अब जो है सो नमक बनाना सभी कोस्टल एरियाज में जो भी गांव के लोग हैं वहां भी इसको अलाउ कर दिया गया था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि आपको विदेशी दुकानों पर पिकेटिंग करने की अनुमति दे दी गई थी। पिकेटिंग मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, पिकेटिंग का अर्थ होता है कि आपको धरने देने
दे सकते हैं विदेशी दुकानों पे, शराब के दुकान हुए, वैसे दुकान हुए, वहां धरना देंगे। और आप पिकटिंग का अर्थ होता है कि मोटिवेट करेंगे जो भी वहां ग्राहक खरीदने आता है कि तुम इस सामान को मत खरीदो, यानी कि सामान के प्रति डीमोटिवेट करेंगे और देश के प्रति मोटिवेट करेंगे। चलिए आगे क्या होता है कि गांधी जी ने एक और बात रखी थी इस मीटिंग के समय। गांधी जी ने कहा था कि देखिए, अगर आप यह चाहते हैं कि देश में शांति की भावना बनी रहे तो प्लीज आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को आप छोड़ दीजिए। लेकिन इरविन ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा हो गई थी, तो यह एक बुरा हुआ था। लेकिन खुशी की बात यह थी कि पहली बार ब्रिटिश सरकार भारत के सामने झुकी थी, तो यही था गांधी और इरविन का समझौता। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और खूब वीडियो को फैलाइए चारों तरफ, सभी बच्चों इस बात को जाने कि गांधी और इरविन के बीच क्या संबंध था। धन्यवाद।